ओके सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपन थोड़ा सा गैप डाउन खोले मतलब 30 से 50 पॉइंट्स के बीच में अपन गैप डाउन खोले ओके सो व्हाट विल बी माय सपोर्ट इफ दैट एपन्स मेरे हिसाब से अगर प्रीवियस डे लो के नीचे हम लोग ट्रेड करना चालू करें ओके okay? मतलब सेवनटीन थाउजेंड वन के नीचे अगर चालू करें देन वी आर हेडिंग टू सेवनटीन ये जो ये जो लेवल था यहाँ से जो बहुत यू नो मार्केट्स ने यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी Uh, ली थी ब्रेक करने के लिए वो लेवल पे फिर से अपन आ सकते हैं एक बार ओके एंड फिर यहाँ से जो प्राइस एक्शन बनेगा अकॉर्डिंगली अपन ट्रेड करेंगे बिकॉज इट कैन बी ट्रिकी एज वेल क्यू क्योंकि दो चीज़ एक यस एफ आई आई एस के पास काफ़ी सारे शॉर्ट्स है तो आज एक्सपायरी भी है तो बहुत सारे शॉर्ट्स आज एक्सपायर भी होते रहेंगे ठीक है सो लेव टू सी कि मार्केट्स क्या करती है ओके दिस ब्रेक्स देन सीधा सेवनटीन थाउजेंड आ सकता है आज ओके सो कीप एन आई ऑन दैट Now in bank nifty case, what is the support and resistance? Bank Nifty's support and resistance almost same. 40,100 is the uh, you know resistance. And the next support that I see for bank nifty is 39,650. Okay, 39,600 chal sakti is going to be a good support for uh, bank nifty. If this breaks, we are heading to 39,400. Now, what is our expectation for today? ओके okay, मेरा एक्सपेक्टेशन है इनिशियली एक सेल ऑफ आ सकता है मतलब मार्केट जब खुले नीचे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार सेवनटीन थाउजेंड सेवेंटी मतलब सेवनटीन थाउजेंड एटी जो ये लेवल है ये एक बार टेस्ट हो सकता है मार्केट में सिमिलरली इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी ये थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी जो लेवल है ये भी टेस्ट हो सकता है जब मार्केट खुली तब ओके बट सेकेंड हाफ आई एम एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ देखो ऐसा डे दे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ठीक है ऐसा डे मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप बोल सकते हो कि एक एन पैटर्न डे ओके सो दिस इज द डे दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टू बट होपफुली वी विल ऑल्सो चेंज अर व्यू यू नो इफ दिस लेवल्स डोंट होल्ड देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ वन साइडेड ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंड आई मीन डाउन ट्रेंडिंग डे भी एक्सपेक्ट कर रहे अपन इफ सेवेंटीन थाउजेंड सेवेंटी एंड थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड गेट्स ब्रोकन इन बैंक निफ्टी ओके सो ऑल न्यूज इज सेड एंड डन ओके अगर आज मार्केट्स यू नो सिक्सटीन नाइन फिफ्टी के ऊपर क्लोजिंग दे देते सेवेंटीन थाउजेंड के ऊपर क्लोजिंग दे देते ओके okay? देन यू कैन एक्सपेक्ट यू नो मार्केट्स टू हैड हायर नाओके फिर यू कैन कन्फर्म फिर एक कन्फर्म हो जाए कि सिक्सटीन थाउजेंड एट फिफ्टी एक अच्छा बेस बन गया है मार्केट का ओके okay, एंड एक बार सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड के ऊपर क्लोजिंग मिल गया डेली में देन यू कैन विद यू नो यू कैन से विद कंफर्मेशन की सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ सकता है ईजिली इन कमिंग डेज ओके जो हमारा इनिशियल टारगेट भी था कि एक बार जब तक सिक्सटीन थाउजेंड एट फिफ्टी के नीचे दो डेली कैंडल क्लोज नहीं होते तब तक Uh, we are bullish in this market and we can head to 17,500 odd levels. Okay, now जो अनाउंसमेंट्स होने थे सब हो गए हैं ओके मार्केट्स रिएक्ट करेंगे आज ओके एंड देन वी कैन सी सम मूव मतलब आज के एटलीस्ट ये वीक के एंड में हमको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहती है ओके प्रोवाइडेड हिंदिन बर्ग का कोई दूसरा रिपोर्ट आज आने वाला है मैंने जस्ट ट्वीट पढ़ा उनका कि कोई एक रिपोर्ट आने वाला है आई होप इट्स नॉट ऑन एनी अदर बिग कंपनी इन इंडिया ओके सो दैट इज एट फॉर द मार्केट वी फॉर टूडे शॉर्ट वीडियो If supports break, one-sided trending day can come on the downside. Okay, and in this case in bank nifty, also if 39,600 breaks, we can see a one-sided trending day. Personally, not expecting a one-sided trending day. Bias is towards if we touch 17,080 or 17,050 odd levels, we might see some recovery in the market. Okay. So, that is it for the market view for today, guys. I hope you guys uh, like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please, please, please trade responsibly. Today is expiry. Bye.